एमआईएम बीजेपी को खत्म करने के लिए किसी भी सेक्युलर पार्टी से इत्तेहाद करने को तैयार है। इस तरह का इशारा एमआईएम के रुकन पार्लियामान इम्तियाज जलील ने दिया है। उनका कहना है कि एमआईएम ने हमेशा सेक्युलर कुव्वतों के साथ जाने की कोशिश की है। हाल ही में रियासती वजीर राजेश टोपे से मुलाकात का हवाला देते हुए इम्तियाज जलील ने कहा है कि एनसीपी को भी इत्तेहाद की पेशकश की गई है, लेकिन उसका नतीजा मुस्बत निकलेगा इसके आसार नजर नहीं आते। ये बार बार जो राजनीतिक पार्टियां अपने आप को सेक्युलर कहती है और कहीं पर भी कोई भारतीय जनता पार्टी जीत कर आती है तो उसका ठिकड़ा जो है वो हमारे ऊपर फोड़ा जाता है। तो राष्ट्रवादी कांग्रेस के एक मंत्री को मैंने ये प्रस्ताव दिया कि ये बार बार जो हमारे ऊपर रोया जाता है कि एमआईएम की वजह से बीजेपी जीत गया, एमआईएम बी टीम है, तो मैंने उनको प्रस्ताव दिया कि मैं बोला चलिए हम आपके साथ आ जाते हैं तो एक मर्तबा के लिए ख़त्म ही हो जाएगा मामला। हम आपकी जो महाराष्ट्र में कांग्रेस है, एनसीपी है, हम उनके साथ आते हैं तो ये इल्ज़ाम हमारे ऊपर से परमानेंट हट जाएगा करके, तो ये प्रस्ताव मैंने इस हिसाब से उनको दिया है। लेकिन मुझे मालूम है कि वो आ नहीं सकेंगे क्योंकि उनके साथ शिवसेना है और शिवसेना किसी सूरत के अंदर है मैम को लेना नहीं चाहेगी। तो अगले बार ये बोलना इनका पूरी तरह से बंद हो जाएगा कि एमआईएम की वजह से, क्योंकि हम तो प्रस्ताव दिए हैं उनको, देखते हैं अब उनकी तरफ से क्या प्रस्ताव आता है, वो एक्सेप्ट करते हैं या नहीं करते हैं।